हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, हाय। हाय एवरीवन, क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हो? हेलो जी, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन ऑन अनअकैडमीज यूपीएससी आर्टिकुलेट चैनल। सो आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि मैं रमा शर्मा आपको पढ़ाते हूँ ऑन अनअकैडमी स्पेशल लाइव क्लासेस में, और स्पेशल लाइव क्लासेस में मैं आपको यहाँ पर चार चीज़ें पढ़ाते हूँ, उनका हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अनअकैडमी के एक बेस्ट फीचर के बारे में बता दूँ जो आप लोगों के लिए आया है रिसेंटली। 1 जुलाई से ये शुरू हुआ है और 7 जुलाई तक का ये प्रॉमिस वीक स्टार्ट रहेगा। ये प्रॉमिस वीक आपको दे रहा है काफ़ी सारे बेहतरीन प्रोमिसेस और फीचर्स ऑन अनअकैडमी, जिनका क्या आप फ़ायदा उठा सकते हैं बाय टेकिंग दी सब्सक्रिप्शन। और साथ ही साथ आप लोग जो है यहाँ पर क्या हो गया इसको भाई, हाँ जी, साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज जैसी, बुक्स जैसी बेहतरीन चीज़ें जो हैं अपने लिए ले सकते हैं ऑन अनअकैडमी, वो भी कंप्लीटली फ्री विद दी सब्सक्रिप्शंस। तो एक सेकंड रुक जाओ बस। चलिए जी, सो अनअकैडमी प्रॉमिस आप लोगों के लिए है, ये उन बच्चों के लिए है कि जो अनअकैडमी पर 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे। यदि 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप लोग लेते हैं और फिर भी आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो अनअकैडमी आप लोगों को देंगे 1 ईयर का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन फ्री, कंप्लीट सब्सक्रिप्शन 1 ईयर का फ्री विद अदर फैसिलिटीज़। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों के लिए एक बेहतरीन फीचर है। इसके लिए यदि आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो 7 जुलाई तक तो एक तो आपके पास में अंतिम समय है, दूसरा रमा लाइव ये मेरा कोड है, इसका आप लोग इस्तेमाल करिएगा और फिर जो है आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। सो हाय प्रशांत, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो ये प्रॉमिस वीक में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्लान, प्रिपेयर, रिवाइज और रिपीट की। इसके अंतर्गत अनअकैडमी आपको नोट्स देंगे, नोट्स के अंदर बुक्स भी होंगी, 20 बुक्स होंगी, जिसका कि आप लोग जो है कम्प्लीटली फ़ायदा उठा सकते हो। अच्छा, जितने भी लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। गारंटेड सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा टिल मेंस तक का, यानी कि यदि आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हो जुलाई में तो मेंस कब होता है भाई आपका, यदि जून पर, जून में निर्धारित समय पर आपका एग्ज़ाम हुआ तो मेंस बेटा आपका अक्टूबर में होगा। तो यदि आप 1 साल का भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं या उससे ज़्यादा का लेते हैं तो आपको एडिशनल मंथ्स मिलेंगे, 3 से 4 महीने आपको एडिशनल मिलेंगे। और यदि मान लीजिए कि कोविड की वजह से अक्टूबर में प्रीलिम्स हुआ अगली साल भी, तो आप देख रहे हैं आपको कितना फ़ायदा होगा, जुलाई से जुलाई सब्सक्रिप्शन 1 साल का, लेकिन मेंस तक का एक्सटेंशन यानी कि अगले जनवरी तक का एक्सटेंशन, 6 से 7 महीने का एक्सटेंशन आपको मिलेगा। इसके अलावा यदि आपको 1 साल का जो एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिलेगा, 2 साल यदि आप नहीं कर पाए और फिर 1 साल आपका एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिला, तो उसमें आपको यहाँ पर SSC और बैंकिंग का भी सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पर मिले। अनअकैडमी आपको प्रॉमिस कर रहे हैं इस चीज़ का और साथ के साथ दे रहे हैं आपको 30,000 रुपीज़ की टेस्ट सीरीज ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस, वो भी कम्प्लीटली फ्री। तो प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज आपको कम्प्लीटली फ्री मिल रही है विद दी सब्सक्रिप्शन, और 35% का ऑफ आपको मिल रहा है कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पे। तो ये बेहतरीन ऑफर्स आप लोगों के लिए हैं। कल से आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, तो देर किस बात की है, आप लोग टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। और उसके लिए क्या करना है आपको, अनअकैडमी का 1 ईयर का या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेना है। जो लोग अभी बिगिनिंग कर रहे हैं, जिनका पहला, दूसरा, तीसरा अटैम्प्ट है, उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद यही है कि वो 2 साल का सब्सक्रिप्शन लें। और यदि कोई भी दिक्कत होगी, यदि भगवान ना करे कि आपका एग्ज़ाम ना निकले,
क्योंकि आपको भी बताया है कि सक्सेस रेट क्या है। और तो फिर आपको यहाँ पर एक साल एडिशनल तैयारी करने के लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। हाय ममाली, ममाली मामा, इस टेस्ट सीरीज में आपको 80 टेस्ट मिल रहे हैं। यहाँ पर 50 टेस्ट आपको मिल रहे हैं प्रीलिम्स के, यानी कि 5000 क्वेश्चंस के साथ में। 30 टेस्ट आपको मिल रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग के, यानी कि 3000 क्वेश्चंस के साथ में। टोटल आपको 8000 क्वेश्चंस का सेट मिलेगा। टॉप एजुकेटर्स ने बनाया है, टॉप एजुकेटर्स ही एनालिसिस करेंगे इसको, अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग पैटर्न ये चल रहा है। वन सब्सक्रिप्शन टू क्रैक इट ऑल आप लोगों के लिए यहाँ पर है, जिसमें कि आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 35% का ऑफ मिलेगा। मेंस तक का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिलेगा, ठीक है, और एक साल या उससे ज़्यादा के सब्सक्रिप्शन के ऊपर ये अलाउड है। और रमा लाइव ये मेरा कोड है, इसको आप यूज़ करेंगे और सब्सक्रिप्शन लेंगे ऑन अनअकैडमी। सो यूपीएससी सीएससी महासब्सक्रिप्शन ऑफर में मेंस तक का जो सब्सक्रिप्शन है उसके लिए आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लो, चाहे लो दो साल का या फिर उससे ज़्यादा का, इस कोड का आपको इस्तेमाल करना है। प्लस जीएस, आइकॉनिक जीएस, ऑप्शनल प्लस कॉम्बो, ऑप्शनल कॉम्बो, 7 तारीख तक का आपके पास में समय है, 7th तक आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ पर यूपीएससी का सीएससी का अल्टीमेट सरप्राइज 20 बुक्स का है, साथ ही साथ चेज योर यूपीएससी ड्रीम, चेज योर यूपीएससी ड्रीम के अंतर्गत आपको लोन भी मिलता है। इसके साथ साथ आपको अनअकैडमी पर स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज जो कि होगा कल आपका, टुमारो ऑन संडे 11 AM आपको 4 करोड़ रुपये की स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज के लिए टेस्ट देना है। 60 क्वेश्चन 60 मिनट में करने हैं आपको, फ्री लाइव टेस्ट देना है एंड्रॉयड पर, एंड्रॉयड ऐप पर भी आपका चलेगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगा। उसके लिए आप लोग यूज़ करेंगे एनरोल करने के लिए भी रमा लाइव मेरा कोड, इस कोड का आप इस्तेमाल करेंगे। जितने भी बच्चे आज पहली बार मेरी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप लोग मेरा प्रोफाइल फॉलो कर सकते हैं। आप लोग मेरा प्रोफाइल फॉलो करिएगा और उसका लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे, फॉलो माय प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो 7 जुलाई से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं आपके, जिसमें कि फ्योनिक्स रिवीजन बैच है, 1 ईयर का कंप्लीट बैच है, 2 ईयर का कंप्लीट बैच है। यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 4 फीचर्स मिलते हैं, यदि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको टोटल 9 फीचर्स मिलते हैं। प्लस के सब्सक्रिप्शन यदि आप लेंगे तो आपको यहाँ पर जो अमाउंट मिलेगा उस पर 10% का ऑफ होगा जीएस सब्सक्रिप्शन पर, ठीक है। ये फॉर्मेट पता नहीं कैसे चेंज हो गया है। और यदि आप 35% ऑफ चाहते हैं तो आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लीजिए, जिसमें कि एनसीईआरटी, प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल सारी की सारी चीज़ें जो हैं कवर हो जाएं। ऑप्शनल का पेपर 1, पेपर 2, अनअकैडमी पर 15 ऑप्शनल्स की क्लासेस करंटली आपकी चल रही हैं, 15 से 20 ऑप्शनल्स की क्लासेस। तो आज की जो हमारी ये क्लास है ना, इट्स ऑल अबाउट दी हाउ टू हैंडल रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। सो जो भी प्यारे बच्चे मेरे आज जुड़ रहे हैं, जिनको कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से डर लगता है बेहतरीन वाला, वो आज यहाँ पर अपना डर जो है मेरे को दे जाएंगे और कल से जो है मेरी क्लासेस से ज्ञान बटोरना शुरू कर देंगे। आप अपना डर मुझे दे दीजिए और मेरे ऊपर भरोसा करके आप जो है आगे की कार्यवाही करें। रंजीत कुमार यादव जी, तो जितने भी लोग अभी लाइव देख रहे हैं, सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्टली, ठीक है बेटा। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इससे पहले किस किसने किया है? हाँ भाई, कभी किया है आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? बचपन में आई थिंक किया होगा, है ना, बचपन में किया होगा। लेकिन मैम बचपन वाला तो बात अलग थी ना, अभी तो बिल्कुल ही अलग हालात अलग हैं, जज्बात अलग हैं, माहौल अलग है। कैसे हम सीसेट का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर पाएंगे? ठीक है, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। अब देखो, पहले तो आपको समझने की ज़रूरत है एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है उसके हिसाब से। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर सीसेट, तो सीसेट का आपका जो एग्ज़ाम है, सबसे पहले तो ये देखो कि उसमें 80 क्वेश्चन आते हैं। 80 क्वेश्चन में से आपको 3 चीज़ें पूछी जाती हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बेसिक न्यूमरेसी और लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, मतलब ये रीजनिंग है, तार्किक शक्ति आपकी, और आपका मैथ्स और आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन।
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ये जो दोनों ही भाषाओं में होने का तात्पर्य है कि आपको हिंदी में भी मिलेगा, अंग्रेजी में भी मिलेगा, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्या करना है आपको, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है आपको हैंडल करना है। अब जो हिंदी वाले जिन्होंने कभी इंग्लिश का चेहरा ही नहीं देखा बेटा, जिन्होंने कभी देखा ही नहीं कि अंग्रेजी के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो फिर हिंदी में दें, ठीक है। मैं आपको हिंदी वाले भी पैसे सॉल्व करवाऊंगा जिससे कि आपको पता चले कि हिंदी में कैसे आपको हैंडल करनी है ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। और जो बच्चे हमारे ऐसे हैं कि जिन्होंने इंग्लिश में पहले किया हुआ है उनके लिए तो अच्छी ही बात है। तो बेसिक न्यूमरेशन लॉजिकल रीजनिंग को अगर हम साइड रख दें फिलहाल के लिए, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस का एवरेज आता है वो 28 से 32 क्वेश्चंस के बीच में आते हैं। 28 से कभी कम होंगे तो 28 क्वेश्चन आ जाएंगे, ज़्यादा होंगे तो 32 क्वेश्चन आ जाएंगे, इससे ज़्यादा आपका बनता नहीं है क्योंकि दो अलग अलग चीज़ें और भी आपको हैंडल करनी है। तो एक एवरेज मान के चलते हैं क्या कि 30 क्वेश्चन मान लीजिए क्या है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 30 क्वेश्चंस को करने के लिए 30 क्वेश्चन मैम कितने नंबर के हो गए, एक क्वेश्चन ढाई नंबर का होता है, हाँ जी 30 × 2.5, 10 क्वेश्चन 25 नंबर के, तो 30 क्वेश्चन कितने हो गए 75 नंबर के। टोटल पेपर आपका होता है 200 नंबर का। अब 200 नंबर में से लाने कितने होते हैं आपको पास होने के लिए, सिर्फ 66.67, ये इतने मार्क्स लेके आने होते हैं 33%। 75 नंबर का तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही होता है। और यदि आप किन्हीं भी दो चीज़ों पर, मैंने हमेशा ही आपको ये बोला है कि नहीं करना आपको सारा मत करो, किन्हीं भी दो चीज़ों पर अपनी कमांड बना लीजिए, चाहे तो मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग पे बना लो, चाहे लॉजिकल रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन पे बना लो, चाहे कॉम्प्रिहेंशन और मैथ्स पे बना लो। जनरली होता क्या है, जिनका मैथ्स अच्छा होता है तो वो मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग तो करते ही करते हैं, ठीक है भाई। सो आज की क्लास जो है हम बेसिक स्टडी कर रहे हैं, बेसिक मतलब कि टू नो योर एग्ज़ाम कि क्या है और कैसे है। इसके पहले भी मैंने कुछ क्लासेस ली हुई हैं इसके ऊपर, लेकिन अब क्योंकि काफ़ी दिन बाद हम ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं और पूरे ही महीने इस जुलाई के महीने में हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ही क्लासेस करेंगे, तो इसलिए फिर से इसको एक बार देखना समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, हाँ जी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम कर रहे हैं मैम, तो हमारे पास क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ क्या है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, सो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या होनी चाहिए। पहली बात है आपके पास बेसिक इन्फो क्या होना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होनी चाहिए मैम, कि पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए क्या कि नो थ्योरी ऑफ कॉम्प्रिहेंशन विल लीड यू टू द करेक्ट आंसर। मतलब कोई ऐसी साइंटिफिक थ्योरी नहीं है, कोई ऐसी साइंटिफिक थ्योरी नहीं है जो कि आपको करेक्ट आंसर तक के लिए लीड कर दे, कि कोई भी आपका शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है, नो सिंगल फॉर्मूला, ठीक है, नो सिंगल फॉर्मूला और थ्योरी दैट लीड्स टू करेक्ट आंसर, यानी कि एक सिंगल फॉर्मूला नहीं है मैम, कई सारी चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। एक सिंगल फॉर्मूला नहीं है, इसका मतलब यह है कि कई सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो कई सारी चीजें क्या है मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना कोई साइंस नहीं है, इट्स एन आर्ट, ठीक है। आपको प्रैक्टिस के साथ ही समझ में आएगा, ठीक है। दो चीज़ें चाहिए आपको, एक तो अंडरस्टैंडिंग कि आप उसको समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, क्या कहना चाह रहा है, दूसरा अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ प्रैक्टिस। और अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। एक दो तीन चार पैसेज करने से कोई ये कहे कि हम तुर्रम खान बन गए हैं सीसेट की कॉम्प्रिहेंशन में, तो बेटा आप बहुत ही गलत भ्रम में जी रहे हो। दो चार सही हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आपके सारे सही हो जाएंगे, पेपर में 30 क्वेश्चन आते हैं एवरेज, ठीक है। तो मैम ये बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए फिर क्या करना है, मतलब प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए क्या करना है, इसको इंक्रीज करने के लिए क्या करना है? इसको इंक्रीज करने के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ो, डेली पढ़ो। और वैसे भी आपको बोलते ही हैं कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और स्पेशली क्या पढ़ें न्यूज़पेपर्स में, एडिटोरियल्स, क्या पढ़ना है आपको एडिटोरियल्स, डेली आप एडिटोरियल्स पढ़िए, यकीन मानिए कि आप बहुत ही बेहतरीन इजाफा देखेंगे। फ्रेशर्स जो हैं, फ्रेशर्स को हिंदू एडिटोरियल्स यदि वो पढ़ते हैं, द हिंदू के एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा
यदि वो पहली बार या दूसरी बार एग्जाम देने वाले हैं। इसके अलावा कोई मैगजीन आती है वीकली मैगजीन, ठीक है, तो वीकली मैगजीन्स भी पढ़ सकते हैं आप लोग, जैसे कि फ्रंटलाइन है, योजना है। मैम हमको यही क्यों पढ़नी है, क्या हम वो नहीं पढ़ सकते क्या, सरिता भाभी वाली है ना, वो भी तो मैगजीन है। तो बेटा सरिता भाभी मैगजीन पढ़ोगे तो सरिता भाभी जैसे हो जाओगे। कहने का मतलब ये है कि जो सीसेट के एग्ज़ाम में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, ठीक है, वो आपका करंट इश्यूज के ऊपर आता है, करंट इश्यूज, ठीक है। कौन कौन से करंट इश्यूज हैं, जैसे कि कोई पॉलिटिकल इशू है तो पॉलिटिकल इशू के ऊपर पूछ लिया जाएगा, आपको एनवायरमेंटल के ऊपर पूछ लिया जाएगा, एनवायरमेंटल इशू के ऊपर, आपको क्लाइमेट के ऊपर पूछ लेगा, क्लाइमेट वही एनवायरमेंट में आ गया, आपको हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है, एक पैराग्राफ दे देगा, क्वेश्चन पूछेगा, आपको साइंस एंड टेक से कुछ पूछ सकता है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल दे दिया और वहाँ से पूछ लिया टेक्नोलॉजी। इस तरीके से आपके जितनी भी चीज़ें आपके यूपीएससी से रिलेटेड हैं वैसे ही पैसेज आप लोगों के लिए आते हैं, ठीक है। कोई ऐसा पैसेज नहीं आएगा जो कि बिल्कुल ही यूपीएससी की रिलीवेंस से अलग हो, क्योंकि आप एक साल डेढ़ साल वही चीज़ पढ़ रहे हो तो उस चीज़ में आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी, चाहे वो साइंस एंड टेक में हो, हिस्ट्री में हो, क्लाइमेट में हो, पॉलिटिक्स में हो, एनवायरनमेंट में हो, इकोनॉमिक आर्टिकल्स भी आ सकते हैं, इकोनॉमी रिलेटेड आर्टिकल्स, ठीक है, इकोनॉमी रिलेटेड आर्टिकल्स भी आ सकते हैं, क्लाइमेट में आपका ज्योग्राफी आ गई, ये सारी चीज़ें। तो कैसे बढ़ाएंगे इसको भाई, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे डेली, मैगजीन पढ़ेंगे, कौन कौन सी मैगजीन पढ़ सकते हो, योजना पढ़ सकते हो आप, फ्रंटलाइन पढ़ सकते हो, ठीक है, हफ्ते में एक बार तो पढ़ ही सकते हो भाई, ठीक है, आर्टिकल्स तो पढ़ ही सकते हैं आप। बात आपको मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। इसके अलावा आप LSTV RSTV की डिबेट्स देख सकते हो, तो उनके डिबेट्स की जो क्रक्स आते हैं वो आप देख सकते हैं, यदि आपके पास में आप फ्रेशर हैं और आपके पास में बिल्कुल काफ़ी सारा टाइम है। तो अब बात करते हैं कि जो बच्चा बिल्कुल ही बेसिक है, ठीक है, जिसने स्कूल में थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ी है लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाए, जो वर्ड्स आते हैं कभी कभी पैसेज में ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं आप लोगों के लिए जो आपको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो जो बच्चे लेवल वन पे हैं वो अपनी वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग करें। वो लोग अपनी कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि यदि आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो क्या करें, उस पूरे के पूरे पैसेज को पढ़ें और उस हिसाब से फिर उस वर्ड का मीनिंग निकालने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि ये क्या कहना चाह रहा है, तो हो सकता है कि आपके वर्ड का मीनिंग क्या है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताती हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर मैं आपको बोलते हूँ कि स्लो जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, ये एक एग्जाम्पल मैं आपको ले रही हूँ जिसमें आपको एक वर्ड का मतलब शायद ही पता होगा, ब्रुक्स नो फर्दर। अब ये ब्रुक्स एक वैसा वर्ड है जिसको आपको मीनिंग नहीं पता होगा जल्दी, ब्रुक्स नो फर्दर डिले। अब जो भी बच्चे गूगल पे देख के तुर्रम खान बनेंगे वो बनते रहें फिर, यदि किसी को असलियत में इसका मतलब पता है तो बताओ। इन रिवैम्पिंग इट, रिवैम्प का मतलब क्या है, दोबारा से वापस लेके आना, रिवैम्पिंग इट। अब क्या कह रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि स्लो जुडिशियल सिस्टम, न्यायिक कार्यवाही जो कि हमारी स्लो न्यायिक कार्यवाही है भारत के अंदर, ब्रुक्स नो फर्दर डिले। ब्रुक्स का मतलब क्या होता है, हाँ जी स्लो, एक तो हमारी जुडिशियल कार्यवाही क्या है, स्लो है, नो फर्दर डिले यानी कि कोई भी हमको और डिले नहीं चाहिए। तो कोई भी जब हमको और डिले नहीं चाहिए तो जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया क्या कह रहा है कि कोई भी यदि आपको नहीं चाहिए फर्दर डिले, यानी कि अलाउ नो फर्दर डिले। ब्रुक्स का मतलब क्या होता है, अलाउ और टू टॉलरेट, इंडिया टॉलरेट नो फर्दर डिले। ये आपका इस तरीके से आप मीनिंग निकाल सकते हैं, इस तरीके से आपको स्मार्ट गैस करना होगा यदि आपकी वोकेबलरी बहुत कच्ची है। तो इसके लिए आप क्या करें भाई साहब, एक काम करो, तो फिर वोकेबलरी आप जो है पढ़ने लग जाएं। कैसे करेंगे, वही अपने पास हिंदू है मैम मैगजीन है और आपके पास क्या है, RSTV की डिबेट्स हैं, ठीक है, RSTV की डिबेट्स,
यहाँ से क्या करना है, जो जो वर्ड्स आपको नहीं पता होते हैं उनको आप अच्छे अच्छे से लिखें, याद करें। इससे क्या होगा, यदि आप इंग्लिश में आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छे वर्ड्स का कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है, अच्छे वर्ड्स का। और वर्ड्स ऐसे नहीं लिखने शशि थरूर टाइप्स, शशि थरूर बोले तो कि मतलब बस तुम्हीं को पता हो, एग्जामिनर को भी ना पता हो, ऐसे वर्ड्स के जो है कॉपी चेक करने वाले को भी ना पता चले, तो ऐसे वर्ड्स का जो है नहीं रखना है। इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए, बिल्कुल पढ़ लीजिए, थोड़ा सा भाषा में कठिन होता है। यदि आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप द हिंदू से शुरुआत करें, ठीक है, CAPF में काम आएगा, बिल्कुल काम आएगा, और बताओ, ठीक है, बिल्कुल काम आएगा। अब बात करते हैं, लेवल वन हो गया है, अब लेवल टू की तैयारी, जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है वो कैसे बढ़ाएं। एक तो आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, दूसरा आपका वोकेबलरी भी यदि मान लो ठीक नहीं है तो आपको टूटी फूटी बढ़िया इंग्लिश आती होगी। टूटी फूटी बढ़िया इंग्लिश का मतलब है कि इंग्लिश में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या होता है ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, बस कुछ कुछ वर्ड्स के मतलब नहीं पता होंगे, जैसे कि वोकेबलरी में आपको प्रॉब्लम होगी। तो अगर वोकेबलरी में भी प्रॉब्लम है तो एबल टू गैदर मीनिंग, ठीक है, क्या करना है आपको, वर्ड्स के मीनिंग गैदर करने की कोशिश करनी है पूरे के पूरे टेक्स्ट को पढ़ने के बाद, फ्रॉम द टेक्स्ट। लेकिन यकीन मानिए ये जो टेक्निक है ना बहुत ज़्यादा चल नहीं पाती, यदि आप बिल्कुल ही मतलब फोकस कर रहे हो इसी टेक्निक पे तो ये चल पाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चल पाती क्योंकि आप कितने वर्ड्स के मीनिंग गैदर कर पाओगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तीसरा है, जब 30 क्वेश्चन आ रहे हैं मैम, 30 क्वेश्चन यदि आपके आ रहे हैं और 30 पैसेज आपको पढ़ने हैं तो आपकी रीडिंग स्पीड भी सही होनी चाहिए। हाँ भाई, मानते हो आपके नहीं मानते हो बताओ ज़रा, रीडिंग स्पीड भी आपकी चकाचक होनी चाहिए। और लेवल फोर, तो लेवल वन वोकेबलरी ठीक होनी चाहिए, लेवल टू आप मीनिंग गैदर कर पाओ, लेवल थ्री आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, लेवल फोर जब आप एकदम मास्टर बनने की कगार पे होगे तो क्या है कि कन्फ्यूज़न होता है कई बारी आपको राइट ऑप्शन पिक करने में, तो कुछ कुछ ऑप्शंस जो हैं बिल्कुल सिमिलर लगते हैं कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। मैं आपको कल से जब करवाऊँगे सारे के सारे पैसेजेस तो मैं आपको बताऊँगा कि किस किस तरीके से आप ऑप्शंस वगैरह सेलेक्ट करते हो। तो कन्फ्यूज़न जो है, रिमूव कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न की अपने को कोई जगह ही नहीं रखनी है, रिमूव कन्फ्यूज़न इन पिकिंग अप राइट ऑप्शंस फ्रॉम सिमिलर लुकिंग। आप लोग ये पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हो कि आपको इस डायरेक्शन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी करनी है, सो सिमिलर लुकिंग आंसर्स की तरफ आपको राइट पिक करना है। कैसे करेंगे भाई ये राइट पिक? हाँ जी, सबसे पहले बात करते हैं कि इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करेंगे। इन्फॉर्मेशन गैदर करने का मतलब ये है कि जब आप किसी टेक्स्ट को पढ़ रहे हो, ठीक है, जब आप किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी पैसेज को पढ़ रहे हो तो उस पैसेजेस के अंदर बहुत सारी प्रीजुडाइस और बायसेस होती हैं, मतलब कि बहुत सारे पहले से जो है लोगों के अपने मत होते हैं, हो सकता है ऑथर का अपना मत हो। जैसे कि एक पैसेज की बात करते हैं, प्राय को रिलेटेड एक पैसेज आया था, ट्राई रिलेटेड, मैं आपको बस बताते हूँ कि यदि आपसे बोला जाए कि ट्राई क्या होता है भाई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। अब ट्राई से रिलेटेड एक पैसेज आया हुआ है आपका PYQ में, और PYQ में बोला है कि ट्राई विल इवेंचुअली टेक अ कॉल ऑन वेदर इंडिया हैज टू चेंज इट्स अप्रोच टू इंटरनेट रेगुलेशन, कि ट्राई अपने आप खुद से क्या करेगा, एक कॉल लेगा, अपना कदम उठाएगा कि उनको इंटरनेट रेगुलेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसकी अप्रोच बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए। लेकिन बट इजंट द इंटरनेट परफेक्ट द वे इट इज, पैसेज की अगली लाइन आपको कह रही है कि क्या इंटरनेट जिस तरीके से आज की डेट में है क्या परफेक्ट नहीं है। अपीरियंटली नॉट, अगली लाइन बोलती है अपीरियंटली नॉट। अपीरियंटली नॉट का मतलब ये है कि बिल्कुल अगर सच्चाई की तह में जाएं तो कैपेबल तो नहीं है इंटरनेट, आज की डेट में परफेक्ट नहीं है। एटलीस्ट टेलीकॉम कंपनीज बिलीव, ठीक है, टेलीकॉम कंपनीज का ये मानना है कि इंटरनेट अभी बेस्ट नहीं है, परफेक्ट स्टेट में नहीं है। तो इस तरीके से जैसे कि आपको टेलीकॉम कंपनीज का पहले से बाइस दे दिया कि टेलीकॉम कंपनीज क्या मान के चल रही हैं, अब इसके हिसाब से क्या है, टेलीकॉम कंपनीज की प्री जुडाइस आपको यहाँ पे मिल गई। अब ऑप्शंस में आपको देखना है, ठीक है, टेलीकॉम कंपनी की बाइस आपको मिल गई, बाइस यानी कि किसी एक की तरफ जो है पक्ष लेना या फिर किसी एक का पक्ष बिल्कुल ना लेना, बाइस,
ठीक है, दोहरा बर्ताव करना, तो ये सारी चीजें हैं। अब इन क्वेश्चंस में जब आप आगे चलेंगे तो टेलीकॉम कंपनी के हिसाब से जो इंफॉर्मेशन है उसका आप यूज करेंगे। बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अब अगली बात हमने कर ली लेवल 3 रीडिंग स्पीड की बात करते हैं। रीडिंग स्पीड की जब हम बात करेंगे तो रीडिंग स्पीड कैसे बढ़े? कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है एक अंग जैसे कि रीडिंग स्पीड। अगर वही कॉम्प्रिहेंशन तुम सॉल्व कर रहे हो, वही कॉम्प्रिहेंशन क्लास 5 का बच्चा सॉल्व कर रहा है, हाँ तुमसे उम्मीद है कि तुम ग्रेजुएशन करके यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो तुम 2 से 3 मिनट में पूरे के पूरे कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर दोगे, जिसमें कि 5 क्वेश्चंस भी आते हैं, एक कॉम्प्रिहेंशन 5 क्वेश्चन। वही कॉम्प्रिहेंशन यदि कोई सीबीएसई बोर्ड का 5th क्लास का बच्चा है या हिंदी बोर्ड का 5th क्लास का बच्चा है, वो उसको 10 मिनट में सॉल्व करेगा, तो सॉल्व तो वो भी कर देगा भाई, हाँ राइट आंसर तो वो भी निकाल के ले आएगा, बट आपसे उम्मीद क्या है? आपसे उम्मीद ये है कि आप 30 क्वेश्चंस का आंसर देंगे। और आजकल तो क्या चल रहा है, आजकल का ट्रेंड ये चल रहा है यूपीएससी के एग्जाम में कि यदि 30 क्वेश्चन आने हैं तो 30 क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम 28 पैसेज दिए जाएंगे। मतलब आपको एक पैसेज में एक क्वेश्चन का आपको एवरेज चल रहा है, कोई एक आध पैसेज आपका ऐसा होगा जिसमें कि 2 क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपको 28 के 28 या 30 के 30 पैसेज पढ़ने हैं। 30 पैसेज पढ़ने के लिए उतनी स्पीड भी आपकी होनी चाहिए। ऑन दी अपोजिट दूसरी चीज़ ये भी है कि यदि आप बहुत फास्ट पढ़ रहे हो, यदि आप बहुत स्लो पढ़ रहे हो, गुड इवनिंग हर्षिता, यदि आप बहुत स्लो पढ़ रहे हो बेटा तो भी दिक्कत है, ठीक है, आप पीछे रह जाओगे। यदि आप बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, यदि आप बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ रहे हो तो भी समस्या है। समस्या क्या है कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ते पढ़ते क्या करोगे, इन्फॉर्मेशन को मिस आउट कर दो, ठीक है। आप क्या करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन का जो टेक्स्ट का इन्फॉर्मेशन है ना, क्रक्स जो है उसको मिस आउट कर देंगे। तो करना क्या है आपको, रीडिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए भाई, लेवल 3 की जब हम बात कर रहे हैं तो लेवल 3 में रीडिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने की, इस चीज़ के बारे में कोई आमतौर पे बात नहीं करता। आपकी रीडिंग स्पीड होनी चाहिए 50 से 60 वर्ड पर मिनट, विद आपको उसका क्या समझ में आ रहा हो, अर्थ समझ में आ रहा हो तब। तो ये एक दिन में तो होगी नहीं, है ना, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बहुत फास्ट फास्ट पढ़ते होंगे लेकिन इन्फॉर्मेशन मिस आउट कर जाते हैं। कुछ ऐसे हैं कि एक एक लाइन का अर्थ जो है बैठ के आराम से निकाल रहे संतुष्टि से, जैसे कि जीवन में बहुत समय है अपने पास, तो ऐसा भी नहीं है 2 घंटे का पेपर है आपका। 50 से 60 वर्ड पर मिनट आपको पढ़ने चाहिए, विद आपको उसकी इन्फॉर्मेशन का क्रक्स भी पता होना चाहिए कि ये 50-60 वर्ड्स में क्या कहा जा रहा है, और आप उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को प्रॉपरली कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, कॉम्प्रीहेंड दी टेक्स्ट आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी वो है, ठीक है। चलो अब कुछ बच्चों की एवरेज स्पीड क्या हो जाती है, 2-3 मिनट में 50 से 60 वर्ड पर मिनट पढ़ोगे तो आपका 180 वर्ड्स के हिसाब से पर मिनट चल रहे हो 2-3 मिनट। कुछ बच्चे क्या करते हैं 400 वर्ड्स तक पढ़ लेते हैं, 400 वर्ड इतनी रीडिंग स्पीड फास्ट होती है 3 मिनट में 400 वर्ड। बेटा इन बच्चों के बारे में मेरा कहना है कि ये इन्फॉर्मेशन को मिस आउट कर देंगे 100% कर देंगे, ठीक है। चौथा आपका है कि लेवल 4 आपको क्या कह रहा है, लेवल 4 आपको कह रहा है कि कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन किस चीज़ में, कन्फ्यूजन इन पिकिंग अप, कन्फ्यूजन इन पिकिंग अप राइट ऑप्शंस, कि आप राइट ऑप्शंस पिक नहीं कर, राइट ऑप्शन पिक नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है, अब दोनों में से क्या आंसर देना। और ऐसा यूपीएससी में बहुत होता है, यूपीएससी में ये आपको बहुत मिलेगा, फ्रीक्वेंटली मिलेगा, फ्रीक्वेंटली आपको ऐसा यूपीएससी में मिलेगा। तो फिर मैम इसके लिए क्या करना है, हाँ भाई इसके लिए क्या करना है, ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम करते हैं प्रैक्टिस। और आप यदि देखो अगले 3 दिन मेरी क्लास में आओ, अगले 3 दिन 7:15 से 7:15 आप मुझे समय दें, आप यकीन माने कि आपको इतना मज़ा आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने में कि आप बोलोगे कि मैम हम 30 के 30 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के करके आएंगे
और हम 75 नंबर यहीं से लेके आएंगे, हम मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग पे हाथ ही नहीं डालेंगे। मैंने ऐसा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाया है पीछे भी, पिछली बार भी अनअकैडमी की क्लासेस में, कि बच्चों को एक एक लाइन का अर्थ समझाया है। और यदि आप लग के मेरे साथ मेहनत करते हो तो आप, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि 30 में से 25 क्वेश्चन तो आपके कहीं नहीं गए। और 25 क्वेश्चन का मतलब यह है कि मैं 25 × 2.5 तो 25 × 50 62.5 नंबर जो हैं आपके यहाँ से आ सकते हैं, यदि आप गलत ना करें तो। ठीक है, आप नेगेटिव मार्किंग ना करें तो। इसके साथ थोड़ी सी रीजनिंग और थोड़ा सा मैथ्स आपको पढ़ना होगा और फिर आपके मजे ही मजे। सीसेट निकालना बहुत ईजी है यदि आप जाते हो फुल कम्प्लीटली किसकी तरीके से, यदि आप एक प्लैंड वे में जाते हो। ठीक है, तो एक प्लैंड वे में आप इजीली कर सकते हो सीसेट की तैयारी। ठीक है जी, और यकीन रखिए कि आपका सीसेट जो है इजीली निकल पाए, उसमें आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। ठीक है, चलो अब ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करना है। मैं कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये करना है कि एक तो मेरी क्लास करनी है आपको, ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चन हम PYQ के करेंगे। ट्राई करेंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ना उनको हम लगा पाए, सो दैट कि हमें समझ में आए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सो दैट कि हमको समझ में आए कि एग्ज़ाम आपसे किस तरीके के अंडरस्टैंडिंग की डिमांड कर रहे हैं। बात आपको मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, क्या क्या टाइप ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको देगा। कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपसे पूछता है कि लॉजिकल इन्फेरेंस क्या होगा वो बताओ। लॉजिकल इन्फेरेंस यानी कि लॉजिक के हिसाब से बताइए कैसे ही होगा। कुछ में आपको बोलेगा कि ऑथर क्या कह रहा है, तो ऑथर के हिसाब से पूछेगा। कुछ में आपको बोलेगा कि क्रिटिकल एनालिसिस करो, क्रिटिकल इन्फेरेंस बताओ, तो क्रिटिकल इन्फेरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी जिससे कि आपको आगे के लिए कोई डाउट बचे ही ना। तो मैम ये क्या होती हैं ये सारी चीज़ें, स्ट्रेटजी क्या है कि किस तरीके से हमको ये सब चीज़ें सॉल्व करनी है। तो देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्ट्रेटजी ये है बेटा कि अब मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें तो बता दी हैं, अब सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ काम करेगी आपके लिए, दैट इज़ प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछता है मेनली इन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये आपको डाइसेक्ट करना है। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? हाँ भाई, समझ में आ रही है टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं। इसमें जब आप एक बात याद रखेंगे, जब आप रीडिंग कर रहे होंगे ना पैसेज की, वाइल रीडिंग द पैसेज, जब आप पैसेज की रीडिंग कर रहे होंगे एक चीज याद रखेंगे कि आप सबसे ज्यादा उस पैराग्राफ को देखोगे, उसकी तरफ जाओगे, विच इज द मोस्ट रिलीवेंट पैराग्राफ। ठीक है, मोस्ट रिलीवेंट सेक्शन ऑफ द पैराग्राफ, इसको भले ही आपको दो बार पढ़ना पड़े, ठीक है, मोस्ट रिलीवेंट सेक्शन ऑफ द पैराग्राफ, इसको चाहे आपको दो बार क्यों ना पढ़ना पड़े, इसको जो है जरूर अपने को पढ़ना है। और यहाँ पर आपको पता चलेगी मोस्ट ऑफ द नॉलेज, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन लाइज इन दिस पैराग्राफ। देखो ये बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमको कल से ध्यान रखना है। ठीक है, जिनका हमको कल से ध्यान रखना है, ये वो चीज़ें हैं। अभी जो बच्चे नहीं कर रहे हैं ना, देखना कल से परेशान होंगे और आप जो है कल से एक एक्स्ट्रा एज लेके आगे चल रहे हो। ठीक है, एक्स्ट्रा एज लेके। तो कुछ क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है, डिसीजन मेकिंग वाले सेक्शंस भी आते हैं। डिसीजन मेकिंग सेक्शंस में क्या होते हैं, 6 से 8 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, पैराग्राफ के ऊपर ही होते हैं। खैर अब ये क्वेश्चन आना बंद हो गए हैं, अब इनकी जगह और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग आपके सिलेबस में है। तो जब भी हम ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला ख़त्म कर लेंगे तो लास्ट की एक दो क्लास जो है मैं आपके डिसीजन मेकिंग पे लगा दूंगे, सो दैट कि आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत आए ना।
ठीक है, कोई भी दिक्कत ना आए, डिसीजन मेकिंग का भी यदि आपको क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी हैंडल कर पाओ इजीली, ठीक है, उसको भी हैंडल कर पाए आप इजीली। बात समझ रहे हो मेरी? हाँ जी, तो मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई हैं। बेसिकली मैंने आपको सबसे पहले बताया कि अपना डेटाबेस बढ़ाओ। डेटाबेस बढ़ाने का मतलब है कि अपनी नॉलेज बढ़ाएं। उन नॉलेज कैसे बढ़ाएंगे कि वोकेबलरी यदि आपकी अच्छी होगी, हिंदी के वर्ड्स हो चाहे इंग्लिश के वर्ड हो, वोकेबलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, आपको स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ भी पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ आपको आना चाहिए कि ये समझ में आएगा तभी आप ना आंसर कर पाओगे। और आप जो हैं पैराग्राफ को, कोई पैराग्राफ आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा है और आपको लग रहा है कि यार इससे पहले मेरा एक क्वेश्चन गलत हो चुका है या मुझे सर्टेन डाउट है, तो बेटा उस पैराग्राफ की तरफ कभी मत जाओ जो सबसे बड़ा है। स्टार्टिंग में उस पैराग्राफ की तरफ कभी मत जाओ। मान लो यदि वो तुम्हारा गलत हो गया ना, तुम्हारा सारा फ्लो टूट जाएगा। तो चूज दी पैराग्राफ केयरफुली। आपको जो लग रहे हैं वो मीडियम, मीडियम कितने बड़े होते हैं मैम? कम से कम मान लीजिए जो पैराग्राफ आपको लग रहा है कि बहुत लंबा है, आधा पेज खा चुका है, उस पैराग्राफ की तरफ मत जाओ। जो आपको लग रहा है 7-8 लाइन का है, 10 लाइन का है, उसको आप पकड़ लीजिए। चूज दी पैराग्राफ केयरफुली, ये चीज़ आपको याद रखनी है पेपर के टाइम पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बार बार नहीं बताऊँगी, तो आज मैं आपको बता रहे हूँ, तो ये सब चीज़ें जो हैं आप याद रखिएगा प्लीज़। हाय जैस्मिन, हाय पीयूष, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप याद रखिएगा। अपने पैराग्राफ को केयरफुली आप चूज़ करो। केयरफुली चूज़ करने के साथ साथ आपको क्या करना है, लॉन्ग पैसेजेस को अवॉइड करना है। लॉन्ग पैसेजेस को स्टार्टिंग में आपको अवॉइड करना है, अवॉइड, ठीक है, इन स्टार्टिंग, क्योंकि आपका पूरा का पूरा टाइम आपको लगेगा कि यदि अपने पास तो बहुत टाइम है और चलो 10 मिनट दे देते हैं। बेटा 10 मिनट में आपको बाकी 80 क्वेश्चन भी तो करने हैं, और यदि मान लो पेपर टफ हुआ है ना, बाकी 80 क्वेश्चंस में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे निकल आए जो टफ हुए, तो आपका पूरा फ्लो टूट जाएगा। इसलिए स्टार्ट में आप लॉन्ग पैसेज को ना करें, कुछ क्वेश्चन कर लें जिनके पास में आपको एकदम करीब करीब 20 क्वेश्चन ऐसे कर लें जो आपके बिल्कुल सही हों, जिनमें आप ये कह सको दावा ठोक के कि UPSC भी इस सवाल को गलत नहीं कर सकता, मेरे इस जवाब को। तो उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो CBM कॉन्फिडेंस बिल्डअप मीजर्स के बारे में ये मैं आपको बात बता रहे हूँ कि ये CBM क्या है। नॉलेज का डेटाबेस बड़ा होना चाहिए, स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, पैराग्राफ को केयरफुली चूज करो आप, लॉन्ग पैसेजेस को अवॉइड करो और फोकस रखो आपके कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर इंस्टीड ऑफ स्पीड। फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंड करने के ऊपर फोकस रखें, क्योंकि यदि एक कॉम्प्रिहेंशन आपका ठीक होगा तो आपको 2.5 नंबर मिलेंगे यदि एक क्वेश्चन है। यदि 5 क्वेश्चन आए हैं उसमें, जैसे कि जनरली बचपन से आप लोग करते आए हो 5-5 क्वेश्चन वाले, तो उसमें क्या होगा बेटा, उसमें आपको पूरे के पूरे 12.5 नंबर मिलेंगे। तो रादर देन स्पीड, स्पीड अपने को मेंटेन करके चलनी है, तो रादर देन स्पीड अपने को ज़्यादा फोकस किस पे करना है, कॉम्प्रिहेंड पे करना है, ठीक है। तो स्पीड कितनी रहनी चाहिए, 50-60 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है, इतनी स्पीड आपको रखनी है, बाकी इससे ज़्यादा ना, इससे ज़्यादा ना, इससे कम, थोड़ी बहुत ज़्यादा हुई चलेगा लेकिन इन्फॉर्मेशन मिस ना हो फिर उस चक्कर में। और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए क्या है कि जब भी आप ऐसा कोई कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करें, जब मैं भी कराऊंगा तो भी इस चीज़ को याद रखना है आपको, और ये सारी चीज़ें तब भी फॉलो करनी है, क्योंकि अभी से फॉलो करना शुरू करोगे तब एग्जाम तक फॉलो कर पाओगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने हैं तुम्हारे पास सिर्फ। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, तो या तो आप क्या कर लो, जो आपकी पेंसिल होती है उस पेंसिल से उसको मार्क कर लीजिए या फिर अलग से नोट कर लीजिए। कीप नोटिंग दी मेन पॉइंट्स। मार्क करने का मुझे पता नहीं कि UPSC के एग्जाम में मार्क करने देते हैं कि नहीं, बट हाँ अगर आप पेंसिल से करोगे तो कोई उतनी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो कीप नोटिंग दी मेन पॉइंट्स ऑफ दी पैसेज। तो आप क्या करें, मार्क करने की जगह पॉइंट्स लिख लें अपनी रफ शीट पे, ऑन अ शीट ऑफ पेपर, जिससे क्या हो कि इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर पाओ। यदि आप जल्दी भी पढ़ रहे हो, टाइम आपका कम बचा है, यदि आपने सोचा कि कॉम्प्रिहेंशन में बाद में करूँगा या करूँगी, टाइम यदि आपका कम बचा है तो बाद में भी क्या कर लो, आप उस इन्फॉर्मेशन को फैच कर पाओ। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में इन्फॉर्मेशन आप मिस आउट करो। यहाँ तक आपको मेरी बातें क्लियर हैं कि नहीं क्लियर है? हाँ भाई बेटा क्लियर है भाई यहाँ तक, ठीक है। चलिए जी,
आगे चलते हैं, फिर थोड़ा सा और बढ़ते हैं। और क्या करना है मैम हमको? इतनी सारी चीज़ें तो आपने बता दी, टिप्स बता दी, दुनिया भर की चीज़ें बता दी, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं ये भी बता दिया बेटा। इस सब के अलावा अब आप याद रखें कि जो आपका सी सेट के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन है, ये आपका 33 से लेकर 38% ऑफ पेपर यही होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं, ठीक है। 33 से लेकर 38% तक का पेपर, बाकी के आपके आपके कितने बचे? हाँ जी, बाकी के 62% में आपका क्या है, रीजनिंग भी है और मैथ्स भी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि मैम यदि हम इस चीज़ को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आपकी क्लासेस को हम कर लेते हैं तो हम तो ये 33% से लेकर 38% में हम कोशिश करेंगे कि हम 30% क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आएँ, और जो हमको नहीं समझ में आ रहे उनको हम अटेम्प्ट ना करें जिससे कि नेगेटिव मार्किंग ना हो, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई है कि नहीं आई? और यदि आप मेरी आज की सारी बातों को फॉलो करते हैं सो आई एम श्योर कि आप लोग जो हैं यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, समझ रहे हो आप, एकदम रेनबो वाले कलर्स के साथ आओगे और एग्ज़ाम रूम से बाहर। तो फॉलो करें मेरी क्लासेस को, अनअकैडमी पर भी फॉलो करें। तो अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस जो हैं वहाँ पर हम सी सेट कर रहे हैं, और सी सेट में वहाँ पर अभी मैथ्स चल रहा है, मैथ्स ख़त्म हो जाएगा 8-10 दिन तक ख़त्म हो जाएगा, आई थिंक 15 जुलाई तक हर हालत में मैथ्स ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद रीजनिंग शुरू कर देंगे और रीजनिंग चलेगी और फिर प्रैक्टिस चलेगी, रीजनिंग और प्रैक्टिस सी सेट। यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चल ही रहा है, अभी हम 20 लेक्चर्स यहाँ पर करेंगे, आज के लेक्चर के बाद में 19 लेक्चर और बचे हैं, और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर और प्रैक्टिस करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अनअकैडमी पर। इन सारी चीज़ों के लिए आप क्या करें, अनअकैडमी पर मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा। अनअकैडमी पर डेली मेरी 4 क्लासेस होती हैं, जिनमें से सुबह में 3 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। आज 2 क्लासेस हुई हैं, लेकिन जनरली मेरी अभी क्योंकि मैं घर से नहीं हूँ, घर से क्लास नहीं ले रही हूँ, घर से बाहर हूँ इमरजेंसी में, जनरली मेरी डेली 4 क्लासेस होती हैं, 4 डेली क्लासेस, और 1 क्लास जो है होती है मेरी यूट्यूब पर। तो 1 होती है यूट्यूब पर, 4 डेली क्लासेस होती हैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे। और ये 4 डेली क्लासेस में क्या होता है बेटा, ये सारी की सारी क्लासेस आपके लिए फ्री हैं, फ्री, ठीक है। इन 4 क्लासेस में हम क्या करते हैं मैम, इन 4 क्लासेस में हम इंटरनेशनल रिलेशन कर रहे हैं, एकदम डिटेल कोर्स करा रहे हूँ मैं आपको। आपको यदि इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है तो आप आइए मेरी क्लासेस में, फ्री क्लासेस हैं। इनकी जो टाइमिंग होती है 8 से 9 और 9-10 से 10-10, ठीक है, 9-10 से 10:15 आप मान लीजिए, ये 2 क्लासेस हैं, यानी कि लगातार हम पढ़ते हैं। 10 मिनट का गैप देती हूँ मैं बस आपको इसमें, कई कई बार तो वो भी नहीं मिल पाता है आपको, 8 से 9 और 9:15 से 10:15, ठीक है। उसके बाद में हम 1 से 2 दोपहर में करते हैं सी सेट, 1 से 2 सी सेट की क्लास करते हैं, और उसके बाद में आजकल रात को चल रहा है आपका एंशियंट हिस्ट्री 9 बजे से 10 बजे, आज भी इसकी क्लास है 9 से 10, यानी कि अभी क्या है 8 बज गए हैं, अगले 9 बजे जो है इसकी क्लास शुरू होगी एंशियंट हिस्ट्री की। तो ये भी एकदम डिटेल्ड कोर्स है, डिटेल्ड कोर्स, और ये भी अपना क्या है डिटेल्ड कोर्स, ठीक है, और ये भी क्या है डिटेल्ड कोर्स। ये सारे के सारे मेरी जितनी भी चीज़ें होती हैं मेरे द्वारा पढ़ाई गई, सब मैं डिटेल में कराती हूँ। ऐसा नहीं है कि स्पेशल क्लासेज हैं तो कुछ कुछ चीज़ें करा दी, कुछ कुछ चीज़ें गायब कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको सब कुछ डिटेल में मिलेगा, ठीक है। सो आप लोग जो हैं क्लासेस को फॉलो करिए, प्रोफाइल को फॉलो कर लेना इसके लिए। यदि आप अनअकैडमी पर नए हो बिल्कुल, आप लोग जो है जब प्रोफाइल को फॉलो करेंगे तो रमा लाइव मेरा कोड है, इस कोड का इस्तेमाल करेंगे अनअकैडमी पर टू टेक दी सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, एनरोलमेंट करने के लिए भी आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, यदि आप कल एनरोल कर रहे हैं किसके लिए, कॉम्बैट के लिए, और अनलॉक कोड की तरह भी इसी कोड का इस्तेमाल करोगे। और जब आप अनलॉक कोड की तरह इस कोड का इस्तेमाल करोगे तो आप मेरे साथ साथ बाकी सभी टीचर्स की, सभी मेंटर्स की फ्री लाइव क्लासेस देखने के लिए बोर्ड पे पढ़ाइए। बेटा आए ही तुम बड़े लेट हो, आप कह रहे हो तुम बोर्ड पे पढ़ाओ, वैसे भी क्लास का टाइम ख़त्म होने वाला है, पढ़ा देंगे बेटा जिस दिन जो है बोर्ड लाइक हो जाएंगे। अभी क्या है घर से बाहर से पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा समझिए उस चीज़ को कि फैमिली में मिस हैपनिंग हो गई है, तो घर से बाहर से पढ़ा रहे हैं तो बोर्ड वोर्ड पे भी पढ़ा देंगे, बोर्ड का मौका तो आने दो सरकार।
बेटा पढ़ने वाला, आपने कहावत सुनी होगी जो मेरे पापा मेरे को हमेशा कहते थे क्योंकि वो टीचर थे, कि पढ़ने वाला बच्चा जो है ना, क्योंकि उन्होंने उस समय में पढ़ाया है जब लाइट होती नहीं थी, फैन होता नहीं था, और उसके बाद वो टीचर बने, तो पढ़ने वाला जो बच्चा होता है ना वो लालटेन की रोशनी में भी पढ़ लेता है। लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी, अब तुम लोग जो है यहाँ पर सब चीज़ें मिल रही हैं, फिर भी तुमको अपने को जो है कुछ ना कुछ कमी रहती है। हम जो है रोते ही रहते हैं कि हमको ये कमी है। खैर नो डाउट बोर्ड पे अच्छा समझ में आता है, ठीक है, लेकिन अभी जो ऐसे में भी कोई बुराई नहीं है। चलो तो कल से शुरू करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कल की जो क्लास है उसका टाइम भी यही है 7:15 से 8:15। परसों मुझे वापस जाना है तो ट्रैवल करना है फिर से 15-16 घंटे, तो शायद परसों क्लास नहीं होगी, बट कल की क्लासेस आपकी सारी की सारी शेड्यूल दें। कल मेरी एक क्लास होगी सुबह 8 बजे 8 से 9, दूसरी क्लास होगी 9:10 से 10:10, तीसरी क्लास होगी 1 से 2 AM PM, उसके बाद 7:15 से 8:15 PM, और उसके बाद 9:00 से 10:00 रात को PM। ये दो क्लासेस आपकी इंटरनेशनल रिलेशन की होंगी, ज़रूर आइएगा। इंडिया और भूटान कर रहे हैं हम अभी, ये CSET आएगा यहाँ पर, यहाँ पर भी आपका CSET आएगा बट ऑन YouTube पे CSET, और इस पे आएगी आपकी हिस्ट्री की क्लास, एंशियंट हिस्ट्री की थॉरोड और डिटेल्ड क्लास। मैं राइटिंग समझ नहीं आती है बेटा, मेरी राइटिंग समझ नहीं आती तुमको, तुमको पता है राइटिंग के मामले में तो तुम शिकायत कर नहीं सकते हो, और अगर कर भी रहे हो बेटा तो जो समझ नहीं आ रहा वो तुमको बोला भी तो जा रहा है बेटा, तो जो मैं लिख रहे हूँ वो मैं बोल भी रहे हूँ, तो उसमें दिक्कत क्या आ रही है आपको, ठीक है। अब ये प्रशांत भाई ने मेरे खुद के मेरे YouTube चैनल का लिंक डाला है, आप चाहो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, जाके एक बार देखो मेरे YouTube चैनल पे क्या क्या है, ठीक है, और पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करिएगा, सारा कंटेंट जो है UPSC का ही। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे कल सुबह 8 बजे। अच्छा उससे पहले कल सुबह 8 बजे क्या, अभी तो 9 बजे क्लास है तुम्हारी अभी, ठीक है, 9 बजे क्लास है आपकी 9 से 10 एंशियंट हिस्ट्री की क्लास है। जिसने भी फॉलो नहीं किया फॉलो कर लेना, और मेरा कोड यूज़ कर लेना रमा लाइव, यदि पहली बार अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस कर रहे हो तो रमा लाइव मेरा कोड यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है बच्चे। चलो कोई नहीं कोई नहीं, चलिए सो मिलते हैं आपसे 9 से 10। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस इवनिंग, बाय।